हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच को लेकर के, सारे समीकरण को लेकर के आज हम करेंगे बात। जो देखिए, भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल की जंग बेहद नज़दीक है और बेहद रोमांचक भी हो गई है। साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम 12-12 अंक के साथ लगभग सेमीफाइनल में पहुँच गई है, मगर तीसरे और चौथे नंबर की टीम के लिए अभी भी 7 टीमों के बीच जंग जारी है। बांग्लादेश पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, मगर इस सभी के बीच पाकिस्तान टीम भी धीरे धीरे सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ करती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसकी संभावना बेहद ही कम है। उसे अब अपने बाकी मैच जीतने के साथ भारत और अफगानिस्तान समेत बाकी टीमों की जीत हार पर निर्भर भी रहना पड़ेगा। ऐसे ही एक अहम मुकाबला आज, जो यानी कि 2 नवंबर, श्रीलंका और भारतीय टीम के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम यह मैच जीतती भी है तो सेमीफाइनल की जगह एकदम पक्की कर लेगी, मगर श्रीलंका यह मैच हारती है तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान भी भारतीय टीम की जीत की दुआ मांग रहा है। श्रीलंका के बाहर होने से पाकिस्तान सेमीफाइनल की एक और कदम आगे बढ़ा लेगा। इससे पहले 1 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रनों से हराकर पाकिस्तान की ज़बरदस्त मदद कर दी है। वहीं न्यूजीलैंड से हारने के से भी पाकिस्तान को बम्पर फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान फैन से भी ये भी दुआ कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान अपने बाकी मैच हार जाए। हालांकि इनमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान को अपने भी बचे हुए बाकी 2 मुकाबले जीतने होंगे। यदि पाकिस्तान दोनों में से एक भी मैच हार जाती है तो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। भारतीय टीम को अपनी बाकी मैच मुकाबले श्रीलंका की बात कर ली जाए या फिर साउथ अफ्रीका से, जो 5 नवंबर को होगी, नीदरलैंड 12 नवंबर के खिलाफ खेलने होंगे, जबकि पाकिस्तान को अपने बाकी मैच 2 मुकाबले न्यूजीलैंड यानी 4 नवंबर को और इंग्लैंड से 11 नवंबर के खिलाफ खेलने होंगे। इसमें न्यूजीलैंड को हराना बाबर ब्रिगेड के लिए आसान नहीं होगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की रणनीति ये बनाते नजर आते हैं और किस तरह की जीत दर्ज करते हैं। धन्यवाद।